इस साल धनतेरस 2 नवंबर मंगलवार को है। दिवाली की शुरुआत धनतेरस के पर्व से हो जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व है, साथ ही कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथ में लोटा लेकर प्रकट हुए थे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में लोग सोना चांदी बर्तन और विभिन्न आभूषण खरीदते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है वो दोगुना हो जाता है। धनतेरस के दिन अक्सर लोग बहुत सी चीजों की शॉपिंग करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि किस वस्तु की शॉपिंग करना शुभ अशुभ होता है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि किन चीजों को खरीदना चाहिए। सोना चांदी खरीदने की धनतेरस के दिन मान्यता है। कहते हैं कि इस दिन जो चीजें खरीदी जाती है उनमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन चांदी के लक्ष्मी गणेश के सिक्के भी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। कहते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदने से गरीब, दुखी और स्वास्थ्य समस्याओं के साथ किसी भी प्रकार की वित्तीय परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही झाड़ू खरीदते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। कहते हैं कि इस दिन कोई भी वाहन खरीदना शुभ होता है, इसलिए अगर आप कार, बाइक या स्कूटर खरीदने का सोच रहे हैं तो खरीद सकते। दिवाली के दिन पूजे जाने वाले लक्ष्मी जी और गणेश जी की खरीदारी धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। कहते हैं कि धनतेरस के दिन लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदना शुभ होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए सौभाग्य, सुखदायक और शुभता प्रदान करने वाला होगा। धन की वर्षा करती हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदना शुभ होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब धन्वंतरी प्रकट हुए थे तब उनके हाथ में पीतल का कलश था जिसमें अमृत भरा हुआ था। ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को पीतल बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन पीतल की वस्तुएं खरीदना भी शुभ माना जाता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।